हाँ, क्या कहना चाहोगे देवान जी? कहाँ चले हो आप? जी मैं लुधियाना से चला हूँ। क्यों चले हो? मैं किसानों के सपोर्ट में जा रहा हूँ। पिछले एक बार मैं पैदल भी गया हूँ, 10 फरवरी को मैं लुधियाना से चला था। मैं लुधियाना में रहता हूँ, मैं इस इलाके में रहता हूँ। और जो हमारा मानना है कि इस आंदोलन में पूरे भारत के एक एक नागरिक को भाग लेना चाहिए और ये किसानों की जीत होनी चाहिए। जो सरकार हथेली हो रही है और ये कानूनों को भविष्य नहीं कर रही है, इसलिए 300 से ज़्यादा किसान मर चुके हैं। तो हमारा काम है सबको उत्साह देना और उनको जगाना कि हमारे जो देश में जो दूसरी क्रांति आई है, इसमें हर एक व्यक्ति ने भाग लेना। क्योंकि जब अंग्रेज और मुगल जो थे 200-300 साल तक कब्जा करके यहाँ चले गए और उनके बाद ये काले अंग्रेज आ गए, इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सरकार जब से ये अत्याचारी सरकार आई है, बहुत समय से आज तक देश घाटे में ही जा रहा है, कोई भी एक पैसे का फायदा नहीं हुआ। और जो आज इन लोगों ने प्राइवेटकरण करने की हद होती है, रेलवे प्राइवेट, एयरपोर्ट प्राइवेट, सब कुछ प्राइवेट करने के बाद भी लोगों बच जाएंगे, लेकिन जो खाने की वस्तु पर प्राइवेटकरण करने जा रहे हैं, तो इस प्राइवेटकरण से हर एक व्यक्ति मरेगा। और सबसे पहले मेहनत मजदूर करने वाला, क्योंकि जब अनलिमिटेड इनके पास स्टॉक होगा सारी चीज़ों को, ये रख के अपने गोदामों में भर जाएंगे। और जब बंदे को भूख लगेगी उतना ही तेज ताला लग जाएगा और किसी को खाना नहीं मिलेगा, खाने के बगैर लोग मरेंगे। क्योंकि अभी कई बार आप देखते होंगे, एक आलू का जो चिप्स होता है वो 50 रुपये का, 20 रुपये का पैकेट देते हैं, उसमें 20 ग्राम 50 ग्राम होता है। लेकिन आलू किसान का क्या भाव में बिकता है? 1-2 रुपये किलो में भी कोई नहीं पूछता। तो किसान की फसल जब होती है जो सस्ती हो जाती है, और जो बड़े बड़े उद्योगपति वो अपने गोदामों में भर देते हैं, फिर महंगा हो जाता है। आम बंदा, एक गरीब व्यक्ति का जो मजदूर का बच्चा है, वो कभी भी मैकडॉवल में नहीं जा सकता, पिज्जा बर्गर नहीं खा सकता। वो पिज्जा बर्गर अमीर लोग खाते हैं। ये सरकार गरीब विरोधी, दलित विरोधी, ये सारे की विरोधी सरकार, ये तनासर सरकार है। जो सरकार को जगाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और हर एक व्यक्ति को मैं संदेश देना चाहूँगा कि अगर इस आंदोलन में जो भाग नहीं ले रहा है और जो सरकार का पक्ष ले रहा है, वो व्यक्ति देशद्रोही गद्दार कहलाएगा। क्योंकि जिस समय अंग्रेजों को, मुगलों को भगाने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कुर्बानियाँ दी, उस समय ये लोग अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, वो लोग सत्ता में बैठे हुए और इन्होंने माफ़ी मांग मांग के बचे। लेकिन आज कितने किसान, 200-300 किसान बॉर्डर पर मर चुके, इनकी सरकार खबर नहीं ले रही है। और सरकार कहती है कि हमें, जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे तो कहते थे हमें चौकीदार बना दो, चौकीदार बनने के बाद में क्या करा, सारा देसी बेचना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं होता है दोस्तों। जो मेरा मानना है, पूरे भारत के जवानों को, सबको मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति हो, एक्स वाई जेड, जिसने अपनी उम्र भर भीख मांग के खाया हो, वो कभी भी देश के लिए भला नहीं कर सकता, कभी भी अपने लिए नहीं कर सकता। क्योंकि मेरी एक ही बेटी है, वो नोएडा में पढ़ती है, मेरी बेटी 5 साल की, जब उसकी मम्मी ख़त्म हुई, मैं लुधियाने में रोड से सफ़र तय कर रहा हूँ, रिक्शे में रहा। क्या आप किसान हो? जी मैं किसान हूँ, मेरी घर पर थोड़ी सी खेती है, खेती थोड़ी हो चाहे बड़ी हो, मतलब बंदा किसानी, हमें पता है कैसे किसानी होती है। उस समय पहले वो बम्बे और नहर का पानी जो होता था, नहर के पानी से खेतों की सिंचाई होती, अब जो ट्यूबवेल, इंजन, बहुत सारी चीज़ें हो गई है। उस समय से हमने वो चीज़ें देखी है, मेरे पिताजी ने खेती करी है, हमने भी करी है, ऐसा नहीं कि हमने नहीं करी, हमें सारा पता है गन्ना कैसे पता। तो आप किसान विरोधी हो या क्या हो, समर्थन में चल रहे हो? जी हम किसानों के समर्थन में, हम इस बच्चे को लेकर क्यों चल रहे हो आप? ये बच्चों का ही भविष्य है, हमारी तो 57 साल की उम्र है, हमारे तो पैर कब्र में लटके, हम तो चले जाएंगे, लेकिन आने वाला जो भविष्य इन बच्चों का खराब होगा। इसलिए हम सबको साथ देंगे, क्योंकि जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं वो बगैर बच्चे वाले हैं सारे, किसी को भी कोई बच्चे नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाना बड़ा आसान है। मेरी एक बेटी, अगर मेरी बेटी को कोई पकड़ के ले जाए और उसे रेप करे, मर्डर करे, बलात्कार करे, तो हमें दर्द होगा। अब जिनको बच्चे ही नहीं, उनको दर्द क्या होगा, आप बताइए। बेटा आप क्यों चल रहे हो? क्यों दे रहे हो किसानों का साथ? क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो आने वाले टाइम में, आने वाले भविष्य में हम बच्चों का खाना और पीना बंद होगा और हम प्राइवेट हो जाएंगे। आप तीनों कार्यकाल सरकार से क्या मांग करते हो आप? हम सरकार से